तो दोस्तों अपाची आर्टियर 162 भी BS6 में मैं कुछ दिन से एक प्रॉब्लम फील कर रहा हूँ, वो है कि माइलेज का प्रॉब्लम है। तो माइलेज बहुत ही ख़राब मिल रहा है मेरे को, 30 से 40 तक मिल रहा है माइलेज। तो मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा आप लोगों को। तो सॉल्यूशन ये है कि आप जब भी पेट्रोल फील करें तो पेट्रोल का जो लीवर है उसको छोड़ने का, मतलब वो लीवर को आप लोग को बोलने का है कि ये लीवर आप छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक फील हो जाएगा। ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात है कि एयर का जो प्रेशर है वो ठीक ठाक रखना है, कंपनी जो क्लेम करता है। और इसके अलावा भी आप 2-3 PSI तक प्रेशर ज़्यादा रख सकते हैं। और एक बात है, लोड अगर ज़्यादा होगा माइलेज ख़राब मिलेगा, लोड अगर कम होगा माइलेज अच्छा मिलेगा, और रोड भी अच्छा होगा तो माइलेज ज़्यादा मिलेगा। और गाड़ी को आपको 45 से 65 तक की स्पीड से चलाना है, नॉर्मल स्पीड से, गियर शिफ्टिंग ठीक ठाक रखना है, उसके बाद आप माइलेज को ठीक ठाक पाओगे। मैं पिछले पहिए में 45 रखता हूँ और अगले की पहिए में 35, थोड़ा सा ज़्यादा ही रखता हूँ मैं। इसके बाद आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल फिल करता है तो वो पेट्रोल पंप में तेल में वो मिक्स करके कुछ पेट्रोल पंप में ऑयल दे देता है। इससे क्या होता है, इंजन का भी लाइफ ख़राब होता है और माइलेज भी बुरा मिलता है। तो आप लोगों को अगर सब कुछ ठीक है आप लोगों का, उसके बाद भी माइलेज ख़राब दे रहा है, तो पेट्रोल पंप को चेंज करना होगा। तो मैंने खुद किया है ये सब, इसके बाद मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो मैंने भी पेट्रोल पंप चेंज किया, उसके बाद मेरा माइलेज ठीक ठाक आ रहा है। तो माइलेज का वीडियो मैं अलग तरह से बनाऊंगा। तो ये वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। थैंक यू दोस्तों।